फाइनली मेरा एनटॉर्क 125 रेस स्कूटी का सर्विसिंग हो गया। इसका फर्स्ट प्रॉब्लम आया था साइड स्टैंड में। साइड स्टैंड का जो वायर रहता है वो छोड़ देता है। छोड़ देने के कारण मेरा रेस स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। स्टार्ट नहीं होने के कारण मैं पूरा परेशान हो गया था कि क्या हो गया क्या हो गया। छोटा सा दुकान था गाड़ी वाला, वहाँ ले गया था दिखाने के लिए, बट वहाँ भी बना नहीं पाए। इसका प्रॉब्लम ही नहीं जान पाए कि हुआ क्या है इसको। इसलिए मैं सोचा कि ले जाता हूँ डायरेक्ट शोरूम में, यहाँ दिखाऊंगा अच्छा से। पूरा उधर खोल खाल दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट शोरूम में ले आया। ला के पूरा तरीके से सर्विसिंग करवा लिया। सर्विसिंग करवा लिया तो अभी थोड़ा अच्छा हो गया। अब इधर धुलाई के लिए लाए हैं, शायद धुलाई हो रहा है। इधर दूसरा स्कूटी धुलाई कर रहे हैं। अच्छा से धुलाई कर रहे हैं। क्या कौन सा गाड़ी है? जुपिटर का, टीवीएस जुपिटर है वो। इसके बाद तब तक हम लोग देख लेते हैं इधर और क्या क्या नया नया स्कूटी बाइक आया है। वाह वो अच्छा है। इधर पूरा 1, 2, 3, 4, 5 कलर का है स्कूटी, जुपिटर का है, अच्छा दिख रहा है। इधर भी इसका टॉप मॉडल है। अब देखते हैं हम लोगों का रेस मॉडल किधर है, किधर है। ये दिख रहा है, दिख गया। ये हम लोगों का 3-4 वेरियंट है, सेम रेस मॉडल है एनटॉर्क का 125। ये टॉप मॉडल है यहाँ का, टॉप मॉडल। अब देखते हैं सबसे कम मॉडल कौन सा है। उधर उधर भी है टीवीएस का, 100 cc का है, छोटा है। ये भी गाड़ी अच्छा है, इसका भी 6-7 वेरियंट है। इधर पूछे पूरा अपाचे का खड़ा हुआ है। अपाचे का भी 6-7 कलर है भाई, बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है। और इसका टॉप मॉडल ये है, पूरा उल्लू के टाइप से दिख रहा है, खतरनाक। कैसे चलता है भाई, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, चलाता तो कैसे लगता। बस देख ही सकते हैं, अब बाकी कुछ तो कर नहीं सकते हैं। अब आगे देखते हैं, और आगे में है, इधर भी रखे हुए हैं, जगह उधर नहीं है। तो इधर भी लग रहा है ख़राब ख़राब टाइप से लग रहा है, लेकिन ख़राब नहीं है, पूरा नया है। इधर मेरे छोटा बड़ा बहुत है, पूरा छोटा से लेकर बड़ा स्कूटी है, सब जितना वेरियंट है पूरा खड़ा किए हैं। इधर धुला गया, अभी तक धुला नहीं पाया है, धो ही रहे हैं, तब तक देख लेते हैं। इसका प्राइस जो अंबिकापुर एक शोरूम से है 1,18,000 इतना पड़ जाता है, और ज़्यादा पड़ जाएगा यदि फाइनेंस में लेते हैं तो। इसलिए फाइनेंस करवाना ही पड़ता है, नहीं रहेगा तो क्या नहीं करवाएंगे फाइनेंस। इधर धुलाई के लिए आ गया, अपना नंबर लग गया है, डिग्गी के अंदर का तो साफ कर रहे हैं अभी। डिग्गी के अंदर का साफ होने के बाद पूरा बाहर को अच्छी तरीके से साफ करते हैं। ओ भाई साहब अच्छा से धोना यार, आराम से धोना, और हम लोगों के पास पूरा टाइम है। अच्छा से धुलाई कर रहे हैं भाई, टायर वगैरह चमचमा गया पूरा। आगे में भी साफ कर रहे हैं, शायद वो बंदा कुछ कुछ देखना पड़ेगा उसको भी, नहीं जा रहे और लेके पूरा अपना पूजा का तो लाई हो रहा है भाई अच्छा तरीका से। अच्छा से धोना भाई, अच्छा से पूरा रगड़ रगड़ के, ज़्यादा भी मत रगड़ना नहीं तो ये स्टिकर पूरा निकल जाएगा। अब देखते हैं इसका, ये सेल्समैन है भाई साहब,
उसमें उनको सुना भी दिया हूँ थोड़ा सा। पूरा 1, 2, 3, 4 वेरिएंट है इसका, 60 से 71 to ऐसे के बीच में है इसका प्राइस, 1000-70,000। सेल्समैन भाई पूछने जाने से क्या बोलते हैं, कौन सा निकालूं कौन सा निकालूं, और समझ में नहीं आता है कौन सा निकलवाएं। ये आगे वाला भाई साहब देख रहा है इसका प्राइस, तो मैं भी आ गया पीछे पीछे देख लेता हूँ इसका प्राइस कैसे करके 60 से 70 के बीच में बताया। अच्छा लग रहा है, लुक में भी खतरनाक है। 4 वेरिएंट का है, सेल्फ मॉडल है और उधर विदाउट सेल्फ मॉडल है। अच्छा है ये भी चढ़ने के लिए। बाकी इधर सेल्समैन वगैरह बातचीत हो रहा है प्राइस के बारे में। सबसे टॉप मॉडल है भाई ये, पकड़ के भी देखा मैं तो, अच्छा लगा। चाबी भी पूरा लगा हुआ है, सब गाड़ी में चाबी लगा हुआ रहता है, चाबी को निकालते नहीं हैं लोग।